नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र चुडासमा ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में पहले कॉलेज खोले जाएंगे, फिर कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू की जाएगी, उसके बाद फिर अन्य कक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, राज्य में कोरोना महामारी के बीच राज्य सरकार द्वारा अनलॉक प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अनलॉक के दौरान उन क्षेत्र में व्यवसायों को खोलने के लिए छूट दी गई है जहां कोरोना संक्रमण कम है, लेकिन छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है। स्कूलों के बंद होने के कारण छात्रों की शिक्षा खराब न हो, इसलिए राज्य सरकार ने स्कूलों द्वारा छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई कराने की व्यवस्था करने को कहा है। ऐसे में राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने स्कूल खोलने के बारे में एक बड़ा खुलासा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने कहा कि वर्तमान में राज्य में स्कूलों को शुरू करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बच्चों के हित में विचार किया जा रहा है। राज्य में पहले कॉलेज खोले जाएंगे, फिर कक्षा 10 और 12वीं की पढ़ाई शुरू की जाएगी और फिर अन्य कक्षाएं शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने कहा कि स्कूल को फिर से खोलने का निर्णय राज्य के स्वास्थ्य विभाग से मत लेने के बाद ही लिया जाएगा और प्राथमिक स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय स्कूल जाने वाले छात्रों के पहले स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करने के बाद ही लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज।